जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र के चकनारायणपुर गांव में बीते सोमवार की शाम पुनारी रंजिश में पिटाई से हुई मुख्तार की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए चारों नामजद आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आकलन 3 बांस के डंडे व लोहे की रॉड बरामद की है। पुलिस ने चारों को मछलीशहर मणियाहू मार्ग स्थित दसम बीरीवारी के मुख वीर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। बरसठी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि चकनारायणपुर गांव में पिटाई से मौत के मामले में सभी आरोपी उक्त स्थान पर मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। थानाध्यक्ष हमराही अंकित राय, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र मौर्य, बड़ेरी चौक इंचार्ज मनोज कुमार सिंह, संजय पटेल, अश्वनी कुमार के साथ पहुंचकर चारों सगे भाई हुसैन उर्फ चांद बाबू, शहजाद, आजाद व सिराज पुत्र नसरुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों की निशानदेही पर मारपीट में प्रयुक्त डंडा व लोहे की रॉड बरामद करते हुए आवश्यक लिखापढ़ी के बाद जेल भेज दिया। बताया जाता है कि उक्त गांव निवासी 45 वर्षीय मुख्तार की मणियाहू कोतवाली क्षेत्र स्थित बेलवा बाजार में सिलाई की दुकान है। वह रोज की भांति बाइक से शाम को घर वापस आ रहा था। घर से 200 मीटर पहले ही पड़ोस के उक्त चारों आरोपियों ने लाठी डंडे व सरियों से पिटाई करने लगे। पिटाई करने वाले अंधाधुंध लाठी चला रहे थे जिससे मुख्तार का हेलमेट टूट गया। पिटाई का शोरगुल सुनकर आसपास के परिवार की महिलाओं को आता देख सभी लोग वहां से भाग निकले। परिजन घायल अवस्था में उसे CHC मणियाहू ले गए जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे अल्ताब की तहरीर पर चारों सगे भाइयों के विरुद्ध अपराध संख्या 103/22 धारा 323, 304, 34 के तहत मामला दर्ज कर तलाश कर रही है। देखिए बरसठी जौनपुर से दीपक शुक्ला की रिपोर्ट।